गाइस, इंडिया अगले 21 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन में है, यानी कि 130 करोड़ इंडियंस अगले 21 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। माहौल में एक अनसर्टेनिटी है, दिलों में एक बेचैनी सी है। गाइस, ये जो कोरोना वायरस का फेज चल रहा है, ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, ये बेशक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही स्ट्रेंज और टफ टाइम है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। और हाँ, हम लोग सहमत हैं प्रधानमंत्री के इस डिसीजन से कि 21 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए। सिर्फ सहमत ही नहीं, हम लोग खुश हैं, हम लोग थैंकफुल हैं, हम लोग शुक्रगुजार हैं, बिकॉज इंडिया ने जल्द से जल्द लॉकडाउन कर दिया है। कोई और ऑप्शन यहाँ था नहीं, और ये हमारी भलाई के लिए, ये मेरी जान बचाने के लिए, ये आपकी जान बचाने के लिए, ये हमारे जैसे जो और लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए, जो शायद इतने टेक्निकली एडवांस नहीं है, जो यूट्यूब नहीं देखते हैं, जिन तक पहुंचना मुश्किल है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। तो आई एम श्योर लॉजिकली आप भी समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन इज द ओनली वे राइट नाउ, पर इमोशनली एक थोड़ा अजीब सा लग रहा है लॉकडाउन में। इमोशनली दिल शिकायतें कर रहा है छोटी छोटी, जैसे कि मेरा जिम छूट गया है, मुझे अब क्लाइंट्स मिलना बंद हो जाएंगे, बिजनेसेस को लॉस होगा, आपका जो बिजनेस है हो सकता है उसको इम्पैक्ट हुआ हो सकता है आपकी कोई ट्रिप थी, आपकी कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई, हो सकता है प्लान्स कैंसिल हो गए। डेफिनेटली सबके साथ हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जो वो चाहते थे कि ना हो, अगर उनके कंट्रोल में होता तो। बट वी हैव गॉट बिगर प्रॉब्लम्स राइट नाउ। गाइस, ये जो इमोशनली हम थोड़ा सा अनइजी फील कर रहे हैं लॉकडाउन के चलते, हमें यहाँ मेरा मानना है ज़रूरत है खुद से बात करने की, दो मिनट, और ये रियलाइज़ करने की कि वी आर इन दिस टुगेदर, आप और मैं, आपका पड़ोसी, आपका दूध वाला, कोई पड़ोस वाले ऑफिस का क्लर्क, हर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान छोड़िए हर देश का हर आदमी कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, लाइव्स अफेक्टेड हैं, सबको प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा आप फील कर रहे हैं, जो कि एक शायद शब्दों में बयान ही किया जा रहा है, थोड़ा अकेला, थोड़ा अनसर्टेन, थोड़ी सी चीज़ें लैक हो रही हैं लाइफ में जो पहले थी, बाहर नहीं जा पा रही, ये सब मैं भी फील कर रहा हूँ और ये सब हर कोई फील कर रहा है, सबके साथ हो रहा है। पर ये जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये टेम्प्रेरी है, कि बिजनेसेस अभी रुक गए हैं या बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी, ये बहुत ही छोटी हैं बिगर पिक्चर में। चंद दिनों में इंडिया वापस नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा, सूनर और लेटर, राइट, और बिजनेसेस वापस ऑपरेट करने लगेंगे, जो भी अभी फिलहाल एट द मोमेंट नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली बिगर पिक्चर में वापस होने लगेगा। ऑल वी नीड इज़ टू कोऑपरेट विथ ईच अदर राइट नाउ। अगर आज हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है वो चिंगारी से आग लग जाती और वो संभालना सबके बाहर हो जाता। आज इंडिया को आपकी ज़रूरत है, आज इंडिया को मेरी ज़रूरत है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। और वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट दिस, ये तो हमारी ड्यूटी है ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स सब अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं अब तक। फ़र्क बस इतना है, उनको सीधा बैटल फील्ड पर बुलाया जाता था, तब समय अलग था, हमें बोला जा रहा है घर पे रहने को। ड्यूटी आज भी हमारी है, ड्यूटी पहले 100 साल पहले भी थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, कंट्री के लिए एक ड्यूटी होती है और वो आज हमें घर पर रह के निभानी है। गाइज, इस वीडियो के जरिए मैं बस ये मैसेज पुट अक्रॉस करना चाहता हूँ कि अगले 21 दिन आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। डेफिनेटली अगले 21 दिन सवाल ये नहीं बनता है कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, अगले 21 दिन सवाल ये बनता है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे हर एक सिटीज़न इंडिया का देश के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि आज देश को आपकी ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आज हमारी ये बनती है कि हम खुद को पहले सेफ रखें और दूसरों को सेफ रखें, और ये दोनों काम करने के लिए हमें एक ही एक्शन लेना है, और वो एक्शन ये है कि हमें घर पे रहना है। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दूसरी चीज, हम अगर चीजें खरीद रहे हैं
राशन खरीद रहे हैं तो सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदें, ताकि किसी ज़रूरतमंद को कमी ना पड़े जब वो लेने जाए। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सेंसिबल शॉपिंग करेंगे तो देश को रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं और सबके लिए इनफ है, पर अनलिमिटेड नहीं है किसी के लिए भी, तो हमें यहाँ थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके कुछ वर्कर्स हैं, आपके मेड है, आपके कुक है, आपका ड्राइवर है, और अगर आपने उन्हें छुट्टी दी है 10-15 दिन जितने भी दिन की, तो आप उनके पैसे ना काटें, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है और ये समस्या जितनी बड़ी आपके लिए है उतनी बड़ी उनके लिए भी है, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था। ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरों से भी पूछते रहें, उनके हाल चाल लेते रहें। गाइस, सबके लिए टफ टाइम है, चाहे आपका कोई दोस्त बाहर से बहुत स्ट्रांग लगता हो, आपके लव्ड वंस बहुत फनी, हमेशा ह्यूमर मेंटेन करते हैं, स्ट्रांग लगते हैं, बट एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल राइट नाउ। तो हाल चाल लेते रहिए, कीप सपोर्टिंग ईच अदर, बिकॉज एवरीवन नीड्स एवरीवन राइट नाउ, वी नीड ईच अदर राइट नाउ। पांचवी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, रिगार्डलेस आपका सोशल मीडिया अकाउंट है कि नहीं। हम सबका लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, या हो सकता है आपका एक बिगर सोशल सर्कल हो। तो स्प्रेड अवेयरनेस इन वॉट एवर वे यू कैन। गाइज, मैं चाहूँगा कि आप कॉमेंट्स में इनपुट्स देते रहें कि वॉट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री राइट नाउ। ये चार पाँच चीज़ें मेरे टॉप ऑफ द माइंड पे थी जो मैं शेयर करना चाहता था, बट आई एम श्योर यहाँ पे बहुत चीज़ें होंगी जो हम कर सकते हैं और जो मैंने इस वीडियो में नहीं बोली, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा विद द हैशटैग इंडिया फाइट्स कोरोना। गाइस, कोरोना वायरस का फैलना किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, तो इसको फैलने से रोकना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बंदे की जो आज हिंदुस्तान में है। तो हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी 21 दिन। अपना ध्यान हमें उन चीज़ों पे नहीं रखना है अभी जो लैक कर रही है, अपना ध्यान हम उन चीज़ों पे रखें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ, हमारे लव्ड वन सही सलामत हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं ये बातें शेयर करना चाहता था क्योंकि मेरे दिल में आ रही थी। उम्मीद करता हूँ कहीं पे इससे पर्सपेक्टिव किसी को मिलेगा, किसी के काम आएंगी ये बातें, और हम सब साथ हैं और सब साथ मिलकर लड़ेंगे। कमेंट में ज़रूर अपने इनपुट्स दीजिएगा, व्हाट वी कैन डू फॉर द नेशन राइट नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय।